आज सुबह की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। जानिए देश और दुनिया से जुड़ी टॉप 20 बड़ी खबरें जो आज के दिन को प्रभावित कर सकती हैं। इस समाचार में सुनिए आज की ताजा खबरें, राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स। यह न्यूज बुलेटिन आपको दिन भर के प्रमुख घटनाक्रमों की पूरी जानकारी देगा। पीएम मोदी आज एमपी के रीवा में हवाई अड्डे का करेंगे वर्चुअली शुभारंभ। अखिलेश संघ नामांकन दाखिल करेंगे तेज प्रताप यादव, सैफई परिवार के सदस्यों और पार्टी नेताओं का यूपी के मैनपुरी में जमावड़ा। मोदी सरकार की बढ़ेगी मुश्किल। किसानों की महापंचायत आज, ग्रेटर नोएडा में होगा बड़ा आंदोलन। कोलकाता में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। सीएम ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टर को मिलने के लिए दिया निमंत्रण। बहराइच मामले में अब तक 112 गिरफ्तार, बुलडोजर की जद में 23 दुकान मकान। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को चिट्ठी लिखकर मांगी जस्टिस लीग इंडिया की डिटेल, जांच जारी। यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आरबीआई ने 4 एनबीएफसी पर लोन देने से रोक लगाई, नियम से ज्यादा ब्याज वसूल रही थी। आज से प्रभावी होगा आदेश। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का परिणाम आज होगा जारी, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश बना देरी की वजह। तबाही मचाने आ रहा है चक्रवाती तूफान। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए फिर किया भारत का समर्थन। मैकडोनल्ड में फ्रेंच फ्राइज बनाते दिखे डोनाल्ड ट्रंप, खुद ही सर्व किया ऑर्डर, सामने आया वीडियो। गाजा पट्टी में इजरायल ने मचाई तबाही, हवाई हमलों में 87 लोगों की गई जान, इंटरनेट सेवा भी बाधित। ट्रूडो ने बर्बाद किए दोनों देशों के रिश्ते, कनाडा में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त ने लगाए गंभीर आरोप। क्यूबा में तीसरे दिन भी बिजली संकट बरकरार, पूरे देश में ब्लैकआउट, तूफान ओस्कर को लेकर जारी चेतावनी। मालदीव जाने वालों को होगी सहूलियत, अब कर पाएंगे यूपीआई से भुगतान। ऊंचे रिटर्न को देख निजी सेक्टर को पसंद आने लगा, एनपीएस स्कीम से जुड़े हैं 1.54 करोड़ लोग। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच 4 कंपनियों का बढ़ गया एम कैप, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक रहा टॉप गेनर। आम जनता पर पड़ सकती है महंगाई की मार, बढ़ सकते हैं सीएनजी के दाम। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज कई गाड़ियां होंगी रद्द। कई ट्रेनों का बदला गया रूट,